हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो हमें आनंद और आप देख रहे हैं एपी ब्लॉग आनंद। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि हम आपको लेकर आ चुके हैं महावीर होटल, जो कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ फेमस है। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं आप लोग को, और सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये समोसा का पट्टी जो है हमारा तैयार हो रहा है, और यहाँ पे हमारा मसाला जो है रखा हुआ है, ये देख सकते हो आप। टाइम से भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा 18 साल हो गया। 18 साल से भी आप यहाँ काम कर रहे हैं। ओके, तो देख सकते हो भाई, 18 साल से अंकल यहाँ पे काम कर रहे हैं। वाकई में नाम ऐसे नहीं है, क्योंकि टेस्ट ये बहुत लाजवाब यहाँ पे होने वाला है। ये देखो भाई, तो कल पानी लगा के करते हैं। पानी। तो यहाँ पे देख रहे हो आलू चप के लिए यहाँ पे बन रहा है हमारा। तो ये क्या होता है अंकल जी? मसाला है। ओके, तो इसको फिर से बेसन में लपटेंगे आप? ओके, तो अंकल जी अपना नाम बताइए सब। गौतम सिंह सरदार। ओके, गौतम सिंह। तो अभी कितने टाइम से यहाँ पे अंकल जी आप? 2002 यानी कि 21 साल। 21 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, तो आप सारा चीज यहाँ पे करते हैं? बनाने का काम आप लोग का होता है? तो ऐसा क्या डालते हैं मसालों में कि पूरा रांची में एकदम फेमस हो चुका है महावीर होटल? मेन चीज होता है छोला। सबसे फेमस इसका छोला, इसका सिंघाड़ा, कचौड़ी, आलू सब, ब्रेड सब, सब मिलके तभी नहीं बना, मौसम खराब है इसलिए। तो मतलब ऐसा मसाले में क्या डालते हैं कि इतना टेस्ट आता है पूरा? टेस्ट आदमी बनाने पर होता है, जैसे कि होता है कि मसाला भूनने पर होता है, तैयार नहीं होता है उसमें। तैयार जो मसाला अच्छा डालने से अच्छा नहीं होता, खाली मसाले अच्छा से डालना है, सही टाइम पर डालना है, बैलेंस करके डालना है, सही मात्रा में डालना है, सही मात्रा में डालना है, मात्रा में भूनना है, उसी में उसका टेस्ट। कहीं पूछे सिंगारा कचौड़ी छोला कहाँ मिलता है? तो अगर गांधी चौक में मिलता है, गांधी चौक पूरा एड्रेस हुआ, अपर बाजार, गांधी चौक, गांधी चौक, महावीर होटल। ओके, ब्रेड, और इसमें हमारा जा रहा मसाला। ओके, मसाला भर दिया गया और ये हो गया रेडी। ये देख रहे हो गाइस, तो यहाँ पे खाने को आपको मिलेगा ब्रेड, जब भी आपको खाने को यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों देख सकते हो, आज जो है ना पूरा रांची का मौसम तो आप देख ही सकते हो यार। पानी देख रहे हो यार, पानी जब पानी गिर रहा है, और थोड़ा सा मौसम जो है खराब हो चुका है। ये यहाँ पे देख सकते हो हमारा गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ये देख रहे हो क्या ही खूब लग रहा है यहाँ पे गुलाब जामुन। ये देखो पूरा एकदम स्पंजी गुलाब जामुन है, काफ़ी बढ़िया। ये देख रहे हो पूरा रस में डुबाया हुआ है गुलाब जामुन, ये देख रहे हो यार क्या ही खूब लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो गर्मा गर्म यहाँ पे पूड़ी जो तैयार हो रहा है, उसके साथ यहाँ पे तैयार हो रहा है हमारा झुसका, और ये देख रहे हो यार सब्जी, क्या ही खूब सब्जी यहाँ पे लग रहा है। तो यार देख रहे हो क्या ही खूब यहाँ पे सब्जी लग रहा है। तो अंकल जी, ये सब्जी क्या क्या चीज़ का होता है? ये आलू का सब्जी। आलू, और इसमें क्या मिक्स किया हुआ रहता है? मसाला है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और ये हो गया अपना धुसका, जो कि झारखंड पूरा फेमस है। और धुसके में थोड़ा थोड़ा हमें चने देख रहे हैं अंकल, ये चना में डाला हुआ है। ओके, तो चना क्यों डालते हैं इसमें? टेस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ देख रहे हो यार सब चीज़ यहाँ पे जो मिलेगा ना आपको एकदम ताज़ा फ्रेश यहाँ पे मिलेगा। और देख रहे हो कढ़ाई फिर से चढ़ चुका है। तो अंकल जी, इसमें अभी क्या बनने वाला है? कचौड़ी बनेगा, मटर कचौड़ी। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो यार
फिर से गर्मा गर्म कचौड़ी खाने के लिए आप रेडी हो जाओ। यहाँ पे बन रहा है तरह से, अंकल जो यहाँ पे बेल रहे हैं कचौड़ी का जो पट्टी होता है, ये देखो आप। गर्मा गर्म समोसे ये देख रहे हो, और यहाँ पे जलेबी मिलेगा आपको। और दोस्तों देखो गर्मा गर्म खास्ता यहाँ पे, ये देखो कचौड़ी मिलेगा गाइस, जो कि एकदम फुला हुआ कचौड़ी रहता है, बहुत ही क्रिस्पी लगता है और काफ़ी मज़ेदार टीस में होता है ये, तो काफ़ी बढ़िया लगता है ये। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस छोला। तो अंकल जी ये छोला क्या चीज़ का है? चना है, देसी चना। तो देख सकते हो ये काली चना का जो यहाँ पे छोला है, और हमेशा यही सर्व किया जाता है यहाँ पे, यही दिया जाता है। ओके, तो ये देख रहे हो यार बड़े से हांडे में यहाँ पे छोला जो है बनके रेडी हो चुका है एकदम गरम गरम। जो भी आप खाओगे एकदम ताज़ा फ्रेश सारा चीज़ आपको खाने को मिलेगा यहाँ पे। एक अंकल जी खा रहे हैं, और चलिए उनसे पूछते हैं कि इनको टेस्ट कैसा लग रहा है। तो अंकल जी टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। आप हमेशा आके खाते हैं यहाँ पे? आज कम से कम 20 साल से मैं खा रहा हूं। 20 साल से आप यहाँ पे खा रहे हैं? तो दोस्तों देख रहे हो यार अंकल जी 20 साल से बताए कि 20 साल से यहाँ पे खा रहे हैं, और आपको यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कोई वीडियो के माध्यम से कोई देखता है और यहाँ पे आना चाहता है खाने के लिए, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? वो आप आ सकते हैं, गांधी चौक पे है, महावीर होटल नाम है, यहाँ आके आप खा सकते हो। टेस्ट बहुत अच्छा मिलता है रांची में, आपको कहीं पे इसके अच्छा कहीं कचौड़ी के मामले में। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो, और गाइज बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अंकल जी। इंडिया से बोलते हैं हम लोग का यहाँ पे लगाने के लिए। तो ये देखो समोसा और कचौड़ी एक में हमने मिक्स करवाया है, और ये गया भाई साहब हमारा चने वाला सब्जी, ये देखो। और ये आ गया हमारा गर्मा गर्म चने वाला सब्जी, और यहाँ पे समोसा, और आ चुका है हमारा क्या है, कचौड़ी भाई साहब। जो टेस्ट निकल के आ रहा है ना भाई साहब, बहुत ही तगड़ा आ रहा है। समोसा का तो एक अलग टेस्ट आ रहा है, साथ में हमारे को जो छोला दिया गया है चना वाला, जो काले चना का जो छोला है यहाँ पे बहुत चलता है, बहुत फेमस है यहाँ पे, तो उसका स्वाद बहुत निखर के आ रहा है। तो कभी आप आते हो अपर बाजार गांधी चौक, तो महावीर होटल एक बार जरूर विजिट करना, काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पे टेस्ट मिलने वाला है, और पूरे रांची में ये फेमस है। तो जो पड़ा है ओनली फॉर 20 रुपीज़ पड़ा है, तो बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको यहाँ पे खिलाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल कहीं और कुछ नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।